औरंगाबाद में लोकसभा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। एक और कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। पार्टी ने अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर एनडीए में अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। और दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी होना है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भी औरंगाबाद से ही चुनावी सभा की शुरुआत की थी मगध में, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मगध से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ औरंगाबाद के कुछ लोग हैं मौजूद। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर औरंगाबाद में क्या होने वाला है, मुकाबला क्या होगा। आप बताएं क्या औरंगाबाद में क्या मुकाबला होने वाला है, एनडीए वर्सेस इंडिया या कुछ और? ये इंडिया क्या है, ये को इंडी गठबंधन है, इंडिया तो है नहीं, बनने का पहले ही टूट गया। कहीं 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 करोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा और वो कुनबा भी बनने के पहले बिखर गया। सब लोग अलग अलग से टिकट बांट रहे हैं। अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह रो रहे हैं, आ रहे हैं तेजस्वी जी आ रहे हैं, आज का बयान है उनका। तो दिल्ली में तू का करी था, बिहार के तौर पर ये ना हुआ तो कहीं कोई मुकाबला है नहीं। विपक्ष के नाम का कोई चीज ही नहीं इस बार। तो क्या मोदी मैजिक चलेगा? हाँ, मोदी मैजिक तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रहा है भाई साहब। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, बहुत मतलब कोई अपोजिशन ही नहीं है। वो फुटबॉल जैसा ग्राउंड है ना, वॉकओवर का समझते हैं ना, वॉकओवर मिला हुआ है यहाँ पे एनडीए गठबंधन को। बस जाके सर्टिफिकेट का जिस दिन होगा उस दिन बहुत सस्ते में और बहुत कम खर्च में और कम मेहनत में अपने एनडीए चुनाव जीतने वाले। आखिर कैंडिडेट घोषणा में क्यों भाजपा दे रही है? उसके कई कारण हो, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो बताएगा ना, वो हम लोग छोड़ो बताए काहे घोषणा में देरी हो रहा है। प्रथम चरण में औरंगाबाद इसलिए आपको लग रहा है, जो अंतिम चरण है उसका तो ये उसका में तो अभी अढ़ाई महीना, तो टिकट जो है सो अंतिम दिन आता है, स्क्रूटनी के पहले जमा होता है। पहली बार तो देख नहीं रहे हैं, 52 साल उम्र हो गया। हमारे साथ और भी लोग हैं और हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कांग्रेस की यह परंपरागत सीट रही है, लेकिन कांग्रेस को दरकिनार करके आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया, इसका क्या असर पड़ेगा यहाँ? देखिए, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ती है। और जो अलायंस के दायरे में सीटों का बंटवारा किया गया है, उन सीटों में अभी इंडिया गठबंधन के जो साथी थे राजद, उसने अपना एक प्रत्याशी उतारा है। अब ये प्रत्याशी देना और ना देना शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पार्टी का जो डिसीजन होगा, आखिरी डिसीजन उसके साथ रहा जाएगा। क्या कांग्रेस को भी उम्मीदवार देना चाहिए? बतौर कार्यकर्ता तो हम कहेंगे कि पूरे बिहार में कांग्रेस को अकेले ही लड़ जाना चाहिए। जिस हठधर्मी के साथ राजद अभी पेश आ रही है, उस स्थिति में तो कांग्रेस को अकेले लड़ जाना चाहिए 4000 सीट पर। वर्तमान परिस्थिति में आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? वर्तमान परिवेश में यही उम्मीद लगा रहे हैं कि इस देश के अंदर एक हिटलर चुनाव लड़ रहा है, जो पूरे विपक्ष को एक साथ खत्म करने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे अभिभावक अनिल भैया बता रहे थे कि पूरा फील्ड है और वॉकओवर मिल गया है। वॉकओवर मिला नहीं है, आप इस बात को समझिए, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। इस देश के अंदर चुनाव के महीनों में आचार संहिता लगा हुआ है। दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है, आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले झारखंड के सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पूरे विपक्ष को एकदम बाहर कर देना चाहते हैं, नो एंट्री, और उसके बाद ये गेंद लेकर के फील्ड में उतरना चाहते हैं। आप समझ जाइए कि ये जो हिटलर शाही इस देश के अंदर मोदी जी के कार्यकाल में चल रहा है, इनका ये तैयारी है कि पूरे तरीके से इलेक्शन सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए। ये जनमत संग्रह कराएंगे भविष्य में, आप इसको जान जाइए, जनमत संग्रह बंदूक के दम पे कराएंगे, और उसके बाद कराने के बाद चुनाव पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, और इनका अपना एक नियमावली इस देश के अंदर चलाया जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताएं, राजद ने एक प्रयोग किया है औरंगाबाद में, अभय कुशवाहा को कैंडिडेट देकर के परंपरागत रूप से यह सीट चित्तौड़गढ़ कही जाती है, तो क्या इस बार कुशवाहा फसल अपनी फसल काटेंगे या किला फिर बरकरार रहेगा? तो जनता तय करेगी किला बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मौका सबको मिलेगा बराबरी का, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई एक बहुमत ही सिर्फ डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सिर्फ मसल पावर या मनी पावर से आप जीत नहीं सकते या लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते, क्योंकि पॉलिटिकल रिवाइवल हमेशा होता है।
कोई आता है कोई जाता है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में। चलिए, जनता ही सर्वोपरि है आपने कहा, और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। औरंगाबाद का क्या लगता है आपको, औरंगाबाद में क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में निर्विरोध जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? बीजेपी। इनके टक्कर का कोई है नहीं, जो यहाँ का माहौल है। क्या कारण क्या है? कारण एक तो लोकल हैं ये, दूसरे टेकारी से आए हैं, और इनको शुरू से हम लोग यहीं के हम लोग देखे, और अच्छा मतलब हमारे गांव यहीं बगल में है, मतलब हमारे गांव में भी ये विकसित किए, मतलब रोड स्ट्रीट लाइट सब दिए, इसके चलते हम ये करेंगे, मतलब वोट विकास पर, विकास पर देंगे जी, देश के विकास पर या औरंगाबाद के विकास पर, दोनों पे। आप किसके साथ? बीजेपी पार्टी के साथ। कैंडिडेट के भी घोषणा नहीं हुई? नहीं, लेकिन पार्टी पर हम, जो भी कैंडिडेट हो। जी जी, मोदी पे, मोदी जी पे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या इस बार औरंगाबाद में मोदी मैजिक काम करेगा या राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा काम करेगा? मोदी मैजिक का काम करेगा, इन्हीं का काम करेगा, तो बीजेपी के साथ। अभी कैंडिडेट का तो कोई घोषणा नहीं हुआ, लेकिन जो भी आएंगे उनका वेलकम मोदी जी के साथ हैं और बीजेपी के साथ। विकास हुए हैं? कहाँ से? सारा विकास हुआ है। कहाँ से आ रहे? मतलब नहीं था पहले, सारा कुछ हुआ है हमारे गाँव में, हमारे शहर में, मतलब हमारे वार्ड में, सारा विकास को सबसे ज्यादा युवाओं के लिए। युवा है, युवाओं के लिए क्या हुआ? युवाओं के लिए भी बहुत काम हुआ है। युवा मतलब जो भी रोजगार है युवाओं के लिए, सारा छोटा उद्योग बड़ा उद्योग, मतलब करना जो चाह रहा है उसके लिए तो है रोजगार। तेजस्वी कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला है बिहार में, उन्होंने रोजगार दिया है। काम तो उसमें भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी हुआ है, नीतीश कुमार के शासनकाल में भी काम अच्छा हुआ, लेकिन सेंट्रल को देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए हम लोग मोदी जी के साथ। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में क्या होगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मोदी जी के सवाल है, तो मेरी मानना यही है कि मोदी जी द बेस्ट। रही बात सीट का, तो बीजेपी से कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन टक्कर में कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए, कांग्रेस वर्सेस। लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस के बदले तो आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया है, क्या सोच के दिए उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी होनी चाहिए ताकि टक्कर मजबूत हो, जोर का हो, बाकी हम भी बीजेपी के साथ। धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि औरंगाबाद अब तक जो परंपरागत रूप से तीन चुनाव के पहले तक कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, आज बीजेपी की सीट है, और इस बात को दरकिनार करते हुए आरजेडी ने अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया, तो क्या अभय कुशवाहा औरंगाबाद की फसल काट लेंगे? लोग को लगता है कि जातिवादी राजनीति करके हम चुनाव जीत लें, तो पूरे देश का भी एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो विकास का राजनीति। जिस हद तक नरेंद्र मोदी, चाहे वो बिहार की बात हो कि यूपी की बात हो कि मध्य प्रदेश, जहाँ तक देखने को मिल रहा है न्यूज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस हद तक विकास कर रहे हैं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए हर एक MP को जिताना जरूरी है, और हम सभी लोग जितवाएंगे, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। मोदी जी पहला चुनावी सभा औरंगाबाद से शुरू की बिहार में, जब औरंगाबाद में आए तो यहाँ का जो भी आवश्यक आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार कर सकती है, उन सारी योजनाओं का घोषणा करके प्रधानमंत्री यहाँ से गए, चाहे वो फोरलेनी का मामला हो, या औरंगाबाद बेटा रेल लाइन का मामला हो, या ग्रीन एक्सप्रेसवे का मामला हो आमस टू दरभंगा, या एक्सप्रेसवे का मामला हो, ये सारे योजनाओं का घोषणा करके गए हैं। तो जो केंद्र सरकार की अगर शक्ति है वो यहाँ के लिए भी कर रही है, पूरे देश के लिए कर रही है। आज देश का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है,
नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं या जहां भी आप कहीं भी अमेरिका में जाएं कि चाइना में जाएं कि रसिया में जाएं, हर जगह नरेंद्र मोदी जब उस हद तक काम कर रहे हैं तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है उनके हाथों को मजबूत करें, और हम सभी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि जाति की बात नहीं, लेकिन औरंगाबाद की जो राजनीति का इतिहास है वह कहा जाता है कि एक जाति खास जाति पे ही इर्द गिर्द घुमा करती है, और तो आप कह रहे हैं कि जाति फैक्टर नहीं रहता नहीं, नहीं नहीं जाति फैक्टर नहीं है। देखिए बीजेपी का जो भी उम्मीदवार हो वो निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। अब उम्मीदवार कौन होंगे ये हम लोग तो तय करते नहीं, वो तो बीजेपी करेगी उम्मीदवार तय, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा वो यहाँ से चुनाव जीत निश्चित। मतलब मोदी मैजिक काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। राहुल का काम? राहुल का कोई मैजिक ही नहीं है, राहुल को तो सुनना भी नहीं चाहते देखना भी नहीं चाहते। कभी स्टोव में कोयला भरवा दे रहे हैं, कभी आलू से सोना पैदा कर दे रहे हैं, तो जिसको अभी बेसिक ज्ञान ही नहीं है उस आदमी को प्रधानमंत्री बना के हम लोग करेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा फेज टू बिहार का उन्होंने आरंभ राहुल जी ने औरंगाबाद से किया, तो उसका कोई असर है क्या? कोई असर हमको तो नहीं दिख रहा है, कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं। और मोदी जी ने भी अपनी बिहार की सभा की शुरुआत औरंगाबाद से ही किया था, एक तरह से कहिए कि चुनाव अभियान का सिरगिनेस किया था, उसका असर है क्या? बिल्कुल असर है, बिल्कुल असर है, असर नहीं होने की तो बात ही नहीं है। बिना बुलाए 4.5 से 5 लाख लोग जुट गए मोदी जी को सुनने के लिए, वही राहुल जी को सुनने के लिए 20 से 25 हज़ार लोग नहीं पहुंच पाए बहुत बुलाने के बाद। तो आप लोग को तो खुद समझ में आप लोग को भी आ गया होगा कि मोदी मैजिक है या नहीं, बिल्कुल मैजिक है। चलिए धन्यवाद, हमारे साथ और भी लोग हैं और उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताएं आप यूथ वोटर हैं और यूथ का क्या मिजाज है इस बार औरंगाबाद के लोकसभा चुनाव को लेकर? यूथ का मिजाज तो नरेंद्र मोदी जी का साथ है और स्थानीय सांसद भी काफ़ी काम किए हैं और लोगों के बीच रहते हैं, तो दोनों को मिलाकर यूथ तो उन्हीं के साथ है, मोदी जी के साथ। और मोदी जी का जो विकास हो रहा है देश में और साथ साथ सांस्कृतिक विकास हो रहा है, धर्म का विकास हो रहा है, उसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और एक जगह का सीट का घोषणा नहीं करना है, कई जगह घोषणा करना है, तो जो भी उम्मीदवार आएंगे निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय सांसद ही पुनः आएंगे और हम लोग तैयार हैं उनके लिए। चलिए धन्यवाद, हमारे साथ और भी लोग हैं और आप भी यूथ हैं और देख रहे हैं कि आप होली के रंग में रंगे हुए, माहौल होली का है, तो इस बार बीजेपी में ही कई दावेदार हैं टिकट की, किनकी होली मनेगी और किनकी होली खराब होगी टिकट के मामले में? हम लोग तो यहाँ बीजेपी के नेता सुशील बाबू को जानते हैं, वही काम किए हैं, सुशील बाबू ही बीजेपी के नेता रहेंगे और हमको लगता है कि आज अभी तो चल रहा है, अभी रास्ता में आ रहे हैं, उम्मीदवारी की घोषणा भी उनकी शायद हो गई है और हम लोग नरेंद्र मोदी जी के भी साथ, तो यहाँ बीजेपी की होली होगी ऐसा हमको लगता है और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं पूरा देश, औरंगाबाद में विकास हुआ है इसलिए औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह जी के साथ भी सभी युवा भी हैं और सभी तरह के, आप पूरे ग्राउंड में आप पूछेंगे तो सब लोग बताएंगे, यह ग्राउंड को भी सजने संवरने का काम सुशील कुमार सिंह जी ने। कहते हैं कि एक वादा किया था मोदी जी ने आए थे, उन्होंने कहा था उत्तर कोयल का वादा, उत्तर कोयल की घोषणा हुई लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं आ सका। अब देखिए हम लोग किसान हैं, उत्तर कोयल नहर परियोजना में काम कितना तेजी से लगा हुआ है, घोषणा नहीं किया था उसमें काम लगा हुआ, अब एक दिन में कोई ऐसा बिल्डिंग है जो एक दिन में तैयार हो जाए? 5 तला 10 तला अगर बिल्डिंग बनाना होता है उसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल समय लगता है, उत्तर कोयल नहर परियोजना में दिन रात काम चल रहा है, यहाँ के सांसद के प्रयास से उसकी राशि कम थी उसको बढ़वाया गया और इस बार भी, पहले भी कहे थे तो इस बार भी मोदी जी कहे कि जो कमिटमेंट हम किए हैं वह पूरा करके हम ही जाएंगे, शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, बड़ा अच्छा बात है। पानी कब तक आने की अपने पानी अगले अगले मतलब 25-26 में 25 तक तो उम्मीद है कि सब जगह पानी जो है पहुंच जाएगा, और बहुत अच्छा ये कहे कि मोदी जी का जो काम कहे कि हम जो शिलान्यास करते हैं उसका शुभारंभ भी वही करते हैं, तो शिलान्यास किया औरंगाबाद से शुभारंभ भी करेंगे। वोटरों को देखिए हम लोग देखिए वोटरों के लिए माननीय नेता लोग उसके लिए प्रयासरत है, बात कर रहे हैं और सब वोटर जान रहे हैं, आज ऐसा कोई इस
पूरे ग्राउंड में घूमिए, बोलेगा आप पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब एक एक नेता का नाम जानता है बच्चा लोग, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, उनके काम है, सब विपक्ष डरे हुए हैं, देरवार है, देख रहे हैं कि जहां भ्रष्टाचारी लोग हैं बड़ी ईमानदारी के बात करते थे, देखिए आज सारे लोग जेल जा रहे हैं और उसको जबरदस्ती समाज में एक माहौल बनाने का भी प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि देखिए अब तानाशाही हो रहा है। तानाशाही तो इंदिरा जी के समय में हुआ था, कला मीडिया बंद कर दिया गया, जबरदस्ती पूरे देश में क्या क्या किया गया, रात दिन मतलब सब जगह सबके जहां तहां जेल में डाल दिया गया नेताओं को, उसमें सब नेता शामिल थे। देखिए वैसे लोग ही हल्ला करते हुए नजर आएंगे जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप 10 साल सरकार चला लिए भाई साहब मोदी जी, और एक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा राज है, तंत्र है, आरोप लगाना चाहिए था, आरोप नहीं है, न कहते हैं खाना खाएंगे न खाने। आज हम लोग औरंगाबाद में हम लोग देख रहे हैं कि रोड का निर्माण गोले गोले कितना हो रहा है, भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं लेकिन ग्रास रूट पर तो भ्रष्टाचार के माने ऐसा कौन सा छोटी छोटी ये आप देखिए बिहार के नीतीश सरकार के नेतृत्व में भी जो है बीच में राजद के साथ गए थे तो भ्रष्टाचार बढ़ गया था, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। नीतीश जी को लगा देखिए छोड़ करके आए, और एक एक चीज का समीक्षा हो रहा है कई विभागों, नीतीश जी भागे हैं, व्यक्तिगत ईमानदार आदमी है। नीतीश का साथ का लाभ मिलेगा इस बार, देखिए नीतीश जी ईमानदार आदमी है, बिल्कुल लाभ मिलेगा, पूरा के पूरा जो है सब लोग इसे राष्ट्र राम मंदिर का देश में निर्माण हुआ है, अब आने वाले समय में मोदी जी राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेंगे और सर्वस्व राष्ट्र जो है मोदी जी के नाम पर पूछा, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, इसे कहा लोग मोदी का डंका बज रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, यूथ वोटर हैं, यूथ किस ओर जाएगा, यूथ का मिजाज क्या है? बस मोदी जाएगा, बीजेपी की ओर जाएगा पूरा। क्या कारण? क्या कारण? देश में विकास हो रहा है, राम मंदिर बन गया, रोजगार मिला। क्या रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है रोजगार, बहुत लोगों को मिला है। और कोई खास बात आपके वोट देने के निर्णय लेने का कारण? निर्णय लेने का कारण है कि पूरे वर्ल्ड में जो अभी भारत का नाम हुआ है इनके आने से पहले कभी नहीं। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ लोग थे, हमने उनसे बातें की, लोगों का मन मिजाज जानना चाहा, और मन मिजाज लगता है कि मुकाबला इंडी महागठबंधन और वर्सेस एनडीए ही होने वाला है औरंगाबाद में मुकाबला, लेकिन मुकाबले का परिणाम क्या होगा, जनता का मन मिजाज, जनता क्या निर्णय देगी, वह तो ईवीएम का जब बॉक्स खुलेगा तभी पता चलेगा। फिलहाल को चर्चा परिचर्चा और चुनावी दौर, चुनावी वार्ताओं का दौर, चुनावी गेम, वॉक ओवर, गेम ओवर, ये सब चलता ही रहेगा। गणेश प्रसाद, न्यूज़ 24, औरंगाबाद।